नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम घातांक अर्थात अंग्रेजी में एक्सपोनेंट के बारे में सीखेंगे। चलिए हम शुरुआत वर्ग और वर्गमूल से करते हैं। मुझे आशा है कि आपने यह पहले पढ़ चुके हैं, अगर हाँ तो चलिए याद करते हैं। गुणनफल 2 × 2 को घातांक के रूप में 2² लिखते हैं। यहाँ पे ये जो संख्या 2 है इसे घातांक कहते हैं। 2 × 2 4 के बराबर होता है, इसलिए 2² = 4 लिखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि 2 का वर्ग 4 है। इसी प्रकार एक और उदाहरण, 5² = 25, अर्थात 5 का वर्ग 25 है। चलिए अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। 11 का वर्ग 11 × 11 के बराबर होता है, जो है 121। इसी प्रकार -7 का वर्ग 49 होता है और -19 का वर्ग 361 होता है। तो अगर आप गौर से देखें तो कोई भी धनात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। धनात्मक को अंग्रेजी में पॉजिटिव कहते हैं। और इसी प्रकार कोई ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव नंबर का वर्ग भी धनात्मक ही होता है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग धनात्मक ही होता है। किसी भी पूर्णांक संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। जैसे -1 का वर्ग 1 होता है, वैसे ही 4 का वर्ग 16 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, -7 का वर्ग भी 49 होता है। तो अतः हम 1, 16 और 49 को पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनको हम कोई पूर्ण संख्या के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब हम वर्गमूल के बारे में सीखते हैं। वर्गमूल वर्ग के बिल्कुल विपरीत होता है। अगर 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 कहा जाता है। और वर्गमूल के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको 16 का वर्गमूल लिखना हो तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे, और 16 का वर्गमूल होता है 4। अब यह ध्यान में रखें कि ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव संख्याओं के वर्गमूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है जिनका वर्ग ऋणात्मक हो। चलिए अब हम पूर्ण वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अर्थात अंग्रेजी में प्राइम फैक्टराइजेशन प्राप्त करके हम किसी पूर्ण संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण देखें, 36 को हम 9 × 4 के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने अभी इसका अभाज्य गुणनखंड किया है। 9 को हमने 3 × 3 लिखा है और 4 को हमने 2 × 2 लिखा है। अगर आप गौर से देखें तो 3 और 2 दो दो बार आते हैं। अभी इन दो दो समान गुणनखंडों का समूह बनाइए, अर्थात जो 3 दो बार आ रहे हैं उन्हें 1 लिखें और जो 2 दो बार आ रहे हैं उसे 1 बार लिखें, और उसका जो गुणनखंड है यहाँ पे वो 6 के बराबर आता है, वही 36 का वर्गमूल है। अर्थात 6 जो है
वो 36 का वर्गमूल है। चलिए अब हम घन और घनमूल के बारे में सीखते हैं। इन्हें अंग्रेजी में क्यूब और क्यूब रूट कहा जाता है। जैसे हमने वर्ग और वर्गमूल में देखा था, वैसे ही गुणनफल 2 इंटू 2 इंटू 2 को घातांक के रूप में 2 पावर 3 लिखा जाता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 के बराबर होता है, इसलिए 2 पावर 3 को भी हम 8 के बराबर लिखते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि 2 का घन 8 है। इसी प्रकार 5 पावर 3 125 के बराबर है, अर्थात 5 का घन 125 है। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। 11 पावर 3 को हम 11 इंटू 11 इंटू 11 के बराबर देख सकते हैं, जो 1331 के बराबर आता है। ऐसे ही माइनस 7 पावर 3 को हम माइनस 7 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 7 लिख सकते हैं, जो बराबर है 49 इंटू माइनस 7 के, जो आता है माइनस 343। ऐसे ही माइनस 19 पावर 3 को हम अगर निकाले तो वह आता है माइनस 6859। तो अगर आप ध्यान से देखें तो किसी धनात्मक संख्या का घन धनात्मक होता है और किसी ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक होता है। ये वर्ग से थोड़ा अलग है, इसलिए आप इसे ध्यान रखें। चलिए अब हम पूर्ण घन संख्याएं और घनमूल के बारे में सीखते हैं। किसी पूर्ण संख्या के घन को पूर्ण घन संख्या कहते हैं। चलिए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। माइनस 1 पावर 3 इक्वल्स टू माइनस 1, 4 पावर 3 इज 64, 7 पावर 3 इक्वल्स टू 343 और माइनस 7 पावर 3 इज माइनस 343। अतः हम माइनस 164, 343, माइनस 343 को पूर्ण घन संख्या कहते हैं, क्योंकि हम इन संख्याओं को किसी पूर्णांक संख्या के घन के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब हम घनमूल अर्थात क्यूब रूट के बारे में सीखते हैं। जैसे कि 3 का घन 27 है, वैसे ही हम कहते हैं कि 27 का घनमूल 3 है। घनमूल के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो 27 का घनमूल, तो हम उसे इस प्रकार लिखते हैं। इस चीज को ध्यान रखें कि ऋणात्मक संख्याओं के घनमूल भी ऋणात्मक संख्या होते हैं। चलिए अब हम पूर्ण घन का घनमूल ज्ञात करना सीखते हैं। यह जो है वह वर्ग और वर्गमूल के बिल्कुल समान है। अगर आप वह समझ गए तो यह अत्यधिक आसान है। संख्या के अभाज्य गुणनखंडन करके हम किसी पूर्ण संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं 216 का। 216 को हम 924 के बराबर लिख सकते हैं, जहां 9 जो है वो 3 इंटू 3 के बराबर होता है और 24 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के बराबर होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 और 2 तीन तीन बार आते हैं। अभी हम तीन तीन गुणनखंडों का समूह बनाएंगे और जो तीन बार तीन प्राप्त हुए हैं उसे हम एक बार लिखेंगे और तीन बार जो दो प्राप्त हुए हैं उसे भी हम एक बार लिखेंगे। तो इन दो पदों का जो गुणनखंड है वही घनमूल होता है, अर्थात 216 का घनमूल 6 है। चलिए अब हम घातांक पर आते हैं। सबसे पहले हम घातांक के विभिन्न रूप देखते हैं। मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण रखे हैं। 4 पावर 3, 9 पावर माइनस 2, माइनस 16 पावर 0, 81 पावर 1/4। चलिए आप बताएं कि हम इन घातांक को किन विभिन्न रूपों में बोल सकते हैं।
इन संख्याओं का घातांक या तो पूर्ण संख्या है या भिन्नात्मक संख्या, जैसे 3, -2, 0, ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं, और 1/4 भिन्नात्मक संख्या है। चलिए अब सबसे पहले हम पूर्णांक घातांक वाली संख्या का अर्थ समझते हैं। 4/3 होता है 4 × 4 × 4, जो बराबर है 64 के। वैसे ही 9/-2 का अर्थ होता है 1/9/2, और -16/0 का अर्थ होता है 1। अब इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी संख्या का पावर 0 जब भी होता है, तब उत्तर हमेशा 1 होता है। चलिए अब हम भिन्नात्मक घातांक वाली संख्या का अर्थ देखते हैं। 9/2 हमें यह बताता है कि 9 का वर्ग क्या है, अर्थात मैं यह कहना चाहता हूं कि 9/2 जो है वो 9 का वर्ग है। वैसे ही 9/1/2 जो है वो 9 के वर्गमूल को लिखने के लिए, को बताने के लिए लिखा जाता है। अर्थात आप यह समझ सकते हैं कि यह √49 और 49/1/2 दोनों का एक ही उत्तर है, दोनों एक समान है। चलिए हम और उदाहरण देखते हैं। 8/1/3 का अर्थ होता है 8 का घनमूल, और हम उसे √8 लिखते हैं। वैसे ही 125/1/3 होता है √125, और 100/1/3 √100 के बराबर होता है। इसी तरह 7/1/2 का अर्थ है 7 का वर्गमूल, 25/1/3 का अर्थ है 25 का घनमूल, 81/1/4 का अर्थ है 81 का चतुर्थ या अथवा चौथा मूल। इसी प्रकार 100/1/10 का अर्थ है 100 का 10वां मूल। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए कि अगर हम बोले कि किसी संख्या का पावर 1/n, तो उसका अर्थ होगा nवां मूल। चलिए अब हम घातांकों के कुछ नियम देखते हैं। 8/1/2 × 8/1/3 को हम 8/1/2 + 1/3 के बराबर लिख सकते हैं। अगर हमें दो संख्याओं जिसके घातांक भले बराबर नहीं हो, बराबर भी हो सकते हैं, उनका गुणनफल दिया हो, तो हम उसको उस संख्या का घातांक जो है उसे हम दिए हुए घातांकों का जोड़ के पा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया है। अर्थात जब हमने ऐसे ही दो संख्याओं को जिसके घातांक अलग है पर संख्या बराबर है, उसको हमने डिवाइड अर्थात भाग दिया हो, तो घातांकों का अंतर लिया जाता है। और तीसरा नियम जो यहाँ पे हमने दिया है, 25/1/4 / 1/6, अगर ऐसा प्रश्न है तो ये जो दो घातांक है 1/4 और 1/6, इनका हम गुणनफल लेके 25 का घातांक लिखते हैं। और चौथा नियम यह है कि अगर आपको दो संख्याएं दिए हैं जिनका गुणनफल का घातांक दिया है, अर्थात p×q/a, यहाँ पे a का वैल्यू 1/8 दिया गया है, तो हम इस घातांक को दोनों संख्याओं के घातांक के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने उसको लिखा है p×1/8 × q/1/8। चलिए अब हम यह देखते हैं कि a पावर 0 क्या होता है।
मैंने तो आपको यह पहले भी बताया है, ए पावर जीरो वन के बराबर होता है, पर आपने यह सोचा क्यों? चलिए थोड़ा और गौर करते हैं। ये बताने के लिए कई तरीके हैं। एक तरीका तो मैं जो हमने यह नियम पढ़े हैं अभी उसी का उपयोग करके बताना चाहूंगा। पहले तो आप ये देखिए कि अगर हम ए को ए से भाग दें तो एक के बराबर होता है। ए को ए से भाग देने का अर्थ यह है कि ए का घातांक एक है और उसका हम गुणनफल कर रहे हैं ए जिसका घातांक -1 है। तो ये दोनों बराबर है, ए डिवाइड बाई ए और ए पावर वन इंटू ए पावर -1, इसलिए यह एक के बराबर है। इसमें हमने इस नियम का उपयोग किया है। तो इस नियम को उपयोग करते हुए हम ए पावर वन इंटू ए पावर -1 को ए पावर वन -1 अर्थात ए पावर जीरो के बराबर लिख सकते हैं, जो है बराबर एक के। चलिए अब हम इसी चीज को एक और तरीके से समझते हैं। अगर मैं आपको 2 पावर 3 पूछूं क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैं इसी चीज को एक और तरीके से लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अर्थात अगर आपको कोई एक संख्या और उसका घातांक दिया हो तो आप उसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2 जो है उसे आप 1 से 3 बार गुणनफल लेंगे। तो वह उसका अर्थ यही है, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर मैं आपको 2 पावर 2 पूछूं तो वो होता है बराबर 1 इंटू 2 इंटू 2। 2 पावर 1 किसके बराबर होता है? 1 इंटू 2 के। तो जब हम 2 पावर 3 से 2 पावर 2 में जाते हैं तो हम एक्चुअली तो वास्तव में 2 पावर 3 को का भाग 2 से लेते हैं। जब हम भाग लेते हैं तो नियमों के अनुसार 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1 होता है, इसलिए हमें 2 पावर 2 प्राप्त होता है। और 2 पावर 2 से 2 पावर 1 जाने पे हम वापस 2 से भाग लेते हैं तो हमें 1 इंटू 2 अर्थात 2 प्राप्त होता है। वैसे ही हमें यह लगता है कि अगर हम 2 पावर 0 जब निकालने जाए तो हम 2 पावर 1 को 2 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 1 प्राप्त होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए हैं कि कोई संख्या जिसका घातांक 0 है अर्थात 0 है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। चलिए अब हम एक उदाहरण देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप पहले यह उदाहरण खुद से प्रयास करें, खुद से करने की, फिर उत्तर देख के देखें कि आप कहां गलती कर रहे हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। सबसे पहले मैंने 2 पावर 8 होल पावर 1/2 को 2 पावर 8 इंटू 1/2 के बराबर लिखा है, तो 8 इंटू 1/2 4 के बराबर है। अभी मैंने 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 को 2 पावर 4 -2 के बराबर लिखा है, और अभी हमने आखिरी नियम का प्रयोग कर ये 1/2 जो घातांक है इसे हमने दोनों पदों के रूप में लिखा है तो हमें प्राप्त होता है 2 पावर 2 होल पावर 1/2 इंटू 3 पावर 2 होल पावर 1/2 जो बराबर है 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 के, अर्थात 2 इंटू 3 जो होता है 6 के बराबर।